तो चुनाव प्रचार में बीजेपी जी जान से जुटी है और इसी कड़ी में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दो दिवसीय उत्तराखंड का दौरा रहने वाला, जहां वो पिथौरागढ़ और विकासनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए एक मिनट में पूरी रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए आज से दो दिनों के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा आज पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद 3 बजे विकासनगर में उनकी चुनावी जनसभा होगी। उसके बाद देहरादून में जेपी नड्डा टिहरी संसदीय क्षेत्र की कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। अगले दिन यानी 5 अप्रैल को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार में रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद हरिद्वार के संतों के साथ जेपी नड्डा की एक बड़ी बैठक होगी। इसके अलावा बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक और शक्ति केंद्र स्तर की महत्वपूर्ण त्रिदेव सम्मेलन और लोकसभा स्तर की चुनाव कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी का लक्ष्य अब की बार 400 पार का है और पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार अलग अलग राज्यों में पार्टी के चुनाव अभियान को धार देने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कैसा होगा बीजेपी का मैनिफेस्टो, क्योंकि लगातार इसको लेकर मंथन जारी है और आज एक बार फिर से बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर दूसरी बैठक होने वाली है बीजेपी मुख्यालय में। देखिए एक मिनट में पूरी रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही तमाम राजनीतिक दलों में घोषणा पत्र को लेकर कवायद तेज हो गई है। बीजेपी ने 30 मार्च को चुनाव घोषणा पत्र समिति का ऐलान किया था, जिसके अध्यक्ष भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। बीजेपी मुख्यालय में आज फिर बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक होनी है। मैनिफेस्टो कमेटी की आज ये दूसरी बैठक होगी। इससे पहले 1 अप्रैल को कमेटी की पहली बैठक हुई थी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के लिए बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण अनुच्छेद 370 के खात्मे, किसानों को 6,000 रुपए की सहायता, छोटे किसानों, दुकानदारों को पेंशन, एक साथ लोकसभा विधानसभा चुनाव कराने जैसे अहम वादे किए थे। इसमें से राम मंदिर का निर्माण और अनुच्छेद 370 को खत्म करने का वादा बीजेपी सरकार पूरा कर चुकी है। वहीं समान नागरिक संहिता लागू करने की शुरुआत उत्तराखंड से हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी अप्रैल के दूसरे हफ्ते में अपने संकल्प पत्र का ऐलान कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और साथ ही साथ आज दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन है, जहां तमाम प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दूसरे चरण में जिन जिन जिलों में ये देखा जा रहा है कि मतदान में आज नामांकन दाखिल किया जाएगा और 3 बजे तक नामांकन दाखिल करने का वक्त होगा। दूसरे चरण में कई दिग्गज आज अपना पर्चा भरने वाले हैं। तो जहाँ मथुरा से हेमा मालिनी का नामांकन होगा और ये भी देखना होगा कि कई बड़े दिग्गज हैं जो आज अपना पर्चा भरने वाले हैं। तो वहीं पप्पू यादव भी पूर्णिया सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था, हाल ही में अपनी पार्टी का विलय कर दिया था। और ये अहम दिन आज इन प्रत्याशियों के लिए होने वाला है। कई हॉट सीट्स हैं दूसरे चरण में, जिन जिन के प्रत्याशी आज नामांकन अपना दाखिल करेंगे और उनकी किस्मत 4 जून को फिलहाल खुलकर सामने आएगी। तो फिलहाल दो तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। एक तरफ मथुरा से हेमा मालिनी, इस बार भी बीजेपी ने उन पर विश्वास जताया है, और दूसरी तरफ है पप्पू यादव जो अपना पर्चा दाखिल करेंगे। चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। 7 चरणों में देश में लोकसभा चुनाव करवाए जाएंगे। आज दूसरे चरण के नामांकन की आखिरी तारीख है। दोपहर 3 बजे तक आज दूसरे दौर के लिए नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। लोकसभा के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल, दूसरे चरण का 26 अप्रैल को होना है। दूसरे चरण में केरल में 20, कर्नाटक 14, राजस्थान 13, महाराष्ट्र 8, उत्तर प्रदेश 8, मध्य प्रदेश 7, असम 5, बिहार 5, पश्चिम बंगाल 3, मणिपुर 1, त्रिपुरा 1, जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर मतदान होना है। दूसरे चरण में आज कई दिग्गज पर्चा दाखिल करेंगे। मथुरा से हेमा मालिनी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी, तो वहीं बिहार से पूर्णिया सीट से पप्पू यादव भी मैदान में ताल ठोकेंगे। मथुरा से हेमा मालिनी के नामांकन से पहले सीएम योगी उनके लिए प्रचार करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। नामांकन से पहले हेमा मालिनी ने यमुना तट पर प्रार्थना की। वहीं आज बिहार में सबकी नजरें पूर्णिया सीट पर टिकी है, जहां से पप्पू यादव अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पप्पू यादव ने नामांकन से पहले सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया। पूर्णिया के सम्मान में आपके आशीर्वाद से पप्पू यादव मैदान में।
प्रणाम पुनिया से कुछ लोग इतना चिड़े हैं, उसका अपमान करने के लिए कुछ भी करेंगे। मेरी माँ पुनिया 26 अप्रैल को उनका जमानत जब्त कर जवाब देंगी। हम लालू यादव जी से ही जानना चाहते हैं और जनता से भी हम जानना चाहते हैं, जो हमेशा लालू यादव और पप्पू यादव को एक देखना चाहते हैं। तो हम तो गए लालू यादव जी के यहाँ, एक बार नहीं अगली बार भी तेजस्वी जी हमारे मैडम के साथ अंतिम दिन उन्होंने टिकट दिया। ऐसा नफरत क्यों? नफरत तो उन्होंने सीमा पार कर दी हमारे साथ, अगले बार भी टॉर्चर किया। जब दल में आए तब भी टॉर्चर इन्होंने किया। और उनका मानना है कि बताशा के लिए मंदिर बताशा जाए जाए मंदिर ना जाए, वो 24 का चुनाव नहीं लड़ रहा, वो 25 का चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस से अगर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी आपको फोन कर दे, कह दे कि आप चुनाव ना लड़े, तो आप नहीं लड़ेंगे? मतलब आप लड़ रहे हैं, फोन नहीं आया? सर फोन आता जी तो बोला जाता ना कि हाँ फोन आया। फोन मैं पहले भी कहूँ कि हमें दोनों नेताओं की सहमति हमें प्राप्त है। पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव और बीमा भारती में जारी तकरार की सबसे बड़ी वजह है यहाँ का जातीय समीकरण। पूर्णिया में 13,05,396 वोटर हैं। यहाँ 60% हिंदू और 40% मुस्लिम मतदाता हैं। 5,00,000 SC/ST और OBC हैं। यहाँ करीब 1,50,000 यादव वोटर हैं, जबकि 1,25,00,000 ब्राह्मण और 1,25,00,000 राजपूत हैं। इसके अलावा 1,00,000 दूसरी जातियों के मतदाता हैं। पूर्णिया में करीब 7,00,000 मुस्लिम मतदाता हैं। यानी यहाँ यादव और मुस्लिम वोटर जिसे चाहें उसे विजयी बना सकते हैं। यही वजह है कि पप्पू यादव पूर्णिया सीट छोड़ना नहीं चाहते। पूर्णिया से पप्पू यादव पहले भी 3 बार सांसद रह चुके हैं। हाल ही में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस ने संजय निरुपम को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। संजय को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। संजय निरुपम मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन शिवसेना UBT ने यहां से अमोल कार्तिकर को उम्मीदवार बना दिया है। अब आज संजय निरुपम अपने अगले कदम का खुलासा करेंगे। जाहिर है इंडी गठबंधन में सियासी तकरार का दौर जारी है। सीट शेयरिंग पर सिर फुटव्वल है और सपने सत्ता में वापसी के हैं। अब 4 जून को जनता करेगी फैसला, अगली बार फिर किसकी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।